फाइनली दोस्तों OnePlus 12 आ गया। मैं इस फोन के लिए इतने दिनों से रुका हुआ था, फाइनली इट हैज कम। एंड आई विल टेल यू व्हाट, सीरियसली OnePlus 11 के साथ अगर कंपेयर करोगे तो हर चीज में इसमें एक अपडेट है, हर चीज में, वेदर इट इज डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, लुक्स, वेट। कुछ कुछ चीजें अच्छी है, कुछ कुछ इतनी अच्छी नहीं है, सबके बारे में बताने वाला हूँ। ये क्विक अनबॉक्सिंग होने वाला है, ये चाइना से मंगाया हुआ है, इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च हो रहा है, उसका डिटेल्ड अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले, सो वेट फॉर दैट, सब्सक्राइब फॉर दैट। बट राइट नाउ लेट्स ओपन दिस रेड एंड ब्लैक बॉक्स। जी Well, लिखा हुआ है ऊपर, Hasselblad की ब्रांडिंग आती है, नेवर सेटल एज यूजुअल, हम कभी भी सेटल नहीं होते हैं, फोन्स को सेटल करने नहीं देते हैं। ऑलराइट, दिस इज अ ब्लैक केस, ओह नाइस केस, वैसे डॉक्यूमेंटेशन एंड सिम कार्ड टूल। केस के पास देखोगे तो पता चलेगा कि जो डिजाइन OnePlus 11 में था, डिजाइन लैंग्वेज एग्जैक्टली सेम है, ये देखिए। एंड देन द फोन, अरे बाप रे, ओ माय गॉड, बताऊंगा उसके बारे में, बात करेंगे। 100 वॉट का चार्जर आता है दोस्तों, दिस इज 100 वॉट चार्जर, बट इट्स नॉट वेरी बिग, जनरली हमने 100 120 के बहुत बड़े बड़े देखे हैं, इट इज नॉर्मल मीडियम साइज का है। एंड दैट रेड केबल है, जी हाँ, USB टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल आती है। ऑलराइट, लेट्स कीप दिस असाइड, बाय साइड में रखते हैं ये सब, एंड लेट अस लुक एट द फोन एंड द सरप्राइजिंग थिंग। जैसे ही हाथ में लेते हो आपको पता चलेगा कि ये हेफ्टी फोन है, हेवी फोन है, मोटा। थोड़े कलर्स ऐड कर दिए, मतलब दिस इज ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, सब कुछ है, ये देखिए पोल व्हाइट जैसा है, एंड टेक्सचर भी है। बहुत सारे फोन देखे, इनफैक्ट 2024 का ऐसे ही लग रहा है कि सब फोन ऐसे ही टेक्सचर के साथ आने वाले। और अगर आप कैमरा मॉड्यूल के पास देखोगे दोस्तों, इट लुक्स लाइक अ वॉच डायल, क्योंकि वो सिल्वर रिंग है और अंदर के जो सेंसर है उसमें भी सिल्वर रिंग है। सो इंटरेस्टिंग डिजाइन, कर्व्ड है साइड में, बैक एंड फ्रंट, एंड फ्रेम जो है मेटल फ्रेम है, सो दो ग्लास मेटल सैंडविच डिजाइन है, अलर्ट स्लाइडर आता है, दैट इज नाइस, पोर्ट्स एंड बटन सभी है दोस्तों। नीचे स्पीकर ग्रिल है, देन यू हैव माइक्रोफोन, एंड देन यूएसबी टाइप सी एंड सिम कार्ड ट्रे। लेफ्ट हैंड साइड में आपको अलर्ट स्लाइडर आता है, ऊपर की तरफ यू हैव अ स्पीकर ग्रिल एंड यू हैव आईआर ब्लास्टर और नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है। राइट हैंड साइड में वॉल्यूम रॉकर एंड आपको पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है। वैसे इंटरेस्टिंगली और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, 2024 के सभी फ्लैगशिप जो है ना ऐसे ही होने चाहिए, यूएसबी टाइप सी जनरेशन 3, यस, एंड 3.2 है, यूएसबी 3.2 है, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। अलर्ट स्लाइडर देख के अच्छा लगता है। ये फोन कितना हैवी है, आई मीन आई थिंक 220 ग्राम्स, या बड़ी बैटरी है 5400, बड़ी स्क्रीन भी है, बट फिर भी इट इज हैवी, 223 ग्राम्स, वेरी क्लोज, जी हाँ, इट इज ऑन द हेवियर साइड, हेफ्टी है, बल्की है, हाथ में बड़ा लगता है, तो बड़े हाथ होंगे तो ठीक है, छोटे हाथ होंगे तो आपको सीरियसली बड़ा लगेगा। ऑलराइट, बाहर से देख लिया, अब डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा। डिस्प्ले जो है दोस्तों बड़ा हो गया है, और भी बड़ा हो गया है OnePlus 11 के कंपैरिजन में, 6.82 इंच का 2K AMOLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज है, पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है, सोचिए HBM हाई ब्राइटनेस मोड जो होता है दोस्तों 1600 निट्स है, मतलब OnePlus 11 के कंपैरिजन में नियरली डबल हो गया है। और अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं, बेजल्स देखिए दोस्तों, एब्सोल्युटली नॉन एग्जिस्टेंट, साइड में तो कर्व डिस्प्ले होने की वजह से नहीं है, ऊपर का बेजल और नीचे का चिन भी बहुत ही छोटा है, सो नाइस, एंड सेंटर पंच होल है जिसका साइज भी छोटा है, वेरी नाइस डिस्प्ले, एक्सीलेंट डिस्प्ले कहूंगा। वैसे डिस्प्ले के बारे में बता दूं तो गोरिल्ला ग्लास विक्टिस 2 का प्रोटेक्शन आता है, दैट इज गुड, क्योंकि लास्ट टाइम विक्टिस था, विक्टिस 2 हो गया है, IP65 भी आता है, तो प्रोटेक्शन के मामले में ऑल गुड। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं दोस्तों, 8 जेन 3 द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 8 जेन 3 आता है, एंड इसमें लिटरली सबसे ऊपर वाला वेरियंट 1 TB स्टोरेज एंड 24 GB रैम, बेस वेरियंट 12 GB रैम, 256 GB स्टोरेज, देन 16512 एंड देन 16 1 TB, लेकिन ये चाइनीज वर्जन है, इंडिया में शायद 12256 एंड 16512 इतने ही वेरिएंट्स आएंगे। LPDDR5X रैम टाइप आती है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप आता है, 5400 mAh की बैटरी है, 100 वॉट चार्जिंग है, तो स्पेसिफिकेशंस के मामले में राइट अप देयर। और हाँ दोस्तों, 1% से 100% इन 26 मिनट्स फ्लैट, वाओ, वो भी 5400 mAh, 26 मिनट में पूरी चार्ज हो जाती है, दैट इज एक्सीलेंट। एंड चेरी ऑन द केक, जी वायरलेस चार्जिंग, वो भी 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। Yes. वैसे परफॉर्मेंस के मामले में 2 मिलियन के ऊपर अंतर स्कोर आता है, हाईएस्ट सेटिंग पे आप कोई भी गेम खेल पाओगे, जेंशन इंपैक्ट वगैरह बहुत अच्छी तरह से चलते हैं, अभी अभी हमारे पास आया इसलिए थर्मल्स इतनी अच्छी तरह से चेक नहीं कर सके, बट फिर भी दोस्तों सबसे बड़ा वेपर कूलिंग चैम्बर आता है 9000 mm स्क्वायर, सो इट इज गोइंग टू बी कूल, मतलब थर्मल्स के मामले में अच्छा होगा ये। इंडियन वेरियंट जब आएगा तो सब टेस्ट करके सब कुछ बताने वाले हैं, इसीलिए सब्सक्राइब दोस्तों। OS के बारे में बात करूं तो ये क्योंकि चाइनीज वेरियंट है तो कलर OS 14 आता है, बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 इंडिया में आ जाएगा, तो ऑक्सीजन OS 14 आएगा,
बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगा एंड मेरे हिसाब से कम 3 या 4 साल के मेजर अपडेट्स तो आपको मिलेंगे। तो एक चीज लेकिन नोटिसेबल थी, हैप्टिक्स, जो हैप्टिक फीडबैक है ना, इनफैक्ट ओप्पो के या OnePlus के फोन देखोगे हैप्टिक फीडबैक बिकॉज ऑफ दैट ओ हैप्टिक्स, जबरदस्त हैप्टिक फीडबैक है। मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं, मैं डिस्प्ले के समय बताना भूल गया दोस्तों आपको, डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट आता है, HDR कंटेंट वगैरह आप देखोगे, HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट है, नेटफ्लिक्स में HD स्ट्रीमिंग वगैरह कर पाओगे, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, स्टीरियो स्पीकर्स है, लाउड है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, मल्टीमीडिया टॉप नॉच, कनेक्टिविटी एवरीथिंग, सेंसर सब कुछ, जो भी एक फ्लैगशिप फोन में आप एक्सपेक्ट करते हो सभी सेंसर्स एंड कनेक्टिविटी ऑप्शंस आते हैं, टॉप नॉच 5G वगैरह सब कुछ है, वाईफाई 7 का भी सपोर्ट है दोस्तों। ऑलराइट, लेट्स लुक एट द कैमरा। कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जी हां, हैसलब्लैड ट्यून्ड कैमरा सेटअप है, ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है, जी हां, सोनी लिटिया 808, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आता है, 64 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप सेंसर आता है, जी हां, एंड ओवरऑल 120x तक जूम मिलता है आपको। वाओ, 100 से हम आगे बढ़ गए, 120x हो गया, और पहली बार सेल्फी में भी 32 मेगापिक्सल, पिछले 3-4 साल से इवन इन फ्लैगशिप और OnePlus के फोन्स में 16 मेगापिक्सल का सेंसर हुआ करता था, इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, एंड बहुत सारे फोटोज अलग अलग कंडीशन में हमने निकाले हुए हैं, अभी आया तो थोड़े फोटोज है, बहुत और निकाल के जी ड्राइव लिंक दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, ओरिजिनल क्वालिटी में फोटोज सेव किए हुए हैं, आपको कैसे लग रहे हैं जरूर बताएगा, वैसे इसका डिटेल रिव्यू एंड कैमरा रिव्यू भी आने वाला है, सो वेट फॉर दैट। वीडियोग्राफी के मामले में भी 8K 24 FPS रेयर वीडियोग्राफी कर सकते हो, आगे भी आपको अब 4K 30 FPS शूट कर पाओगे विद दैट सेल्फी, 32 मेगापिक्सल सेल्फी सेंसर। और आप फीचर्स के मामले में बात करूं तो वो हैसलब्लैड के जो पोर्ट्रेट फीचर्स वगैरह वो आते हैं, प्रो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, नाइट मोड है, टाइम लैप्स है, स्लो मोशन है, डुअल वीडियो मोड है, स्टिकर्स है, AI मोड है, बहुत सारे फीचर्स है, यू नो, चॉको ब्लॉक विद फीचर्स, सब कुछ जो आपको चाहिए एक फ्लैगशिप लेवल कैमरा में वो फीचर्स मिलते हैं। अब दोस्तों मुझे ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस है एंड रिव्यू में ज्यादा चेंज नहीं होगा, बट यू नो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट फोन, स्पेसिफिकेशंस के मामले में पेपर में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन प्राइस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इट इज नॉट गोइंग टू बी चीप, क्योंकि IQ 12 आ गया है जो 50,000 के नीचे आपको मिल रहा है, सो नियरली सिमिलर स्पेसिफिकेशंस है उसमें भी। अब ये जो है चाइना में बेस वेरियंट जो है 12256 का, दैट इज सम 4300 yuan, तो 50,000 के ऊपर तो कन्वर्ट करते हो तो ही होता है, बट इंडिया में ऊपर से टैक्स लगता है तो वो 60,000 के करीब जाएगा, मतलब मेरे हिसाब से बेस वेरियंट 65 आएगा एंड विद ऑफर्स 59,999 इस प्राइस में मिलेगा। सो अगर आप सोच रहे हो कि सस्ते में आने वाला है, नहीं दोस्तों, इट इज गोइंग टू बी क्लोजर टू 60 और अबाउट दैट। दो चीजें मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड होती है, एक तो दोस्तों बहुत बड़ा फोन है, मतलब जैसे ही हाथ में लेते हो यू फील दैट हेफ्ट, तो अगर यू आर ओके विद इट, यस, एंड OnePlus का फोन है, ऑब्वियसली बहुत सारे OnePlus के फैंस हैं, लुक वाइज इट इज रियली गुड, स्पेसिफिकेशंस के मामले में एवरीथिंग इज देयर, परफॉर्मेंस, कैमरा एक्सीलेंट, लेकिन वेट फॉर आवर रिव्यू। ओवरऑल दोस्तों यही है OnePlus 12, दिस वाज द क्विक अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ OnePlus 12 जो हमने चाइना से मंगाया हुआ है, इंडिया का वीडियो आ रहा है, वेट फॉर दैट। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।